your arguments are not valid. Next time be prepared. इतने सारे pending cases हैं. सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. तुम तमीज से पेश आओ. आपके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप है. वकील क्यों रखा है? वो ही बोलेगा ना. लेकिन अगली डेट पर. Next. सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो ताकत है कि वो सरकार को मजबूर कर सके रिफॉर्म्स लाने के लिए. मैं जुडिशरी सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करने वाला हूँ. Who the hell is this lawyer? इंडिया में आजकल सभी को फेमस होना है. 5 लाख से ज्यादा केसेस पिछले 3 दशकों से पेंडिंग है. So what reforms do you want here? I demand के सभी केसेस नेचुरल जस्टिस के आधार पर होने चाहिए. Are you out of your mind? In reality, more than 50% of our population is impacted by judiciary. मुझे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सही से न्याय नहीं मिला. उन्होंने हमारी जमीन का कोई रकम अदा नहीं की. कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मेरे पैरों में छाले पड़ गए. 4 साल पहले मेरा रेप हुआ था. हमारा काफी समय बर्बाद हो गया. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट बीइंग फॉलोड. लोगों में जुडिशियरी का डर खत्म हो जाएगा. दिस इज माई पॉइंट सर. बार काउंसिल को भी पता है कि जजेस कितने फेयर और अनबायस्ड. Mind your language. This is nonsense, my lord. कोई भी जज का जजमेंट ऑन सेम एविडेंसेस ओवरटर्न करता है. How is it possible? What exactly are you trying to say? तो फिर उस जज को सस्पेंड किया जाना चाहिए. Objection, my lord. सर जुडिशरी वकील और जजेस की सुविधाओं के लिए नहीं, लोगों की सुविधाओं के लिए बनी है. भले ही 1000 गुनेगार बच जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए. जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बनके जमानत के खरीदार, पाकर जेल से आजादी ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार. जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते.